नमस्कार दोस्तों, सीएससी डेली अपडेट में मैं साहिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आधार कार्ड को जब भी हम प्रिंट करते हैं, ग्लोसी पेपर हो या फिर जो फोटो कापी वाला पेपर हो, कोई भी पेपर किसी पे भी जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारा जो आधार कार्ड है उसका प्रिंट साफ नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, जो हम आधार कार्ड वेबसाइट से, जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI की, उससे हम जब डाउनलोड करते हैं किसी कस्टमर का, उसे हम ग्लोसी पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद जब हम उसे देखते हैं तो उसका जो लिखावट होता है, जैसे नाम पता जो होता है, वो क्लियर नहीं आता है। दोस्तों वो क्लियर क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम स्क्रीन शॉट करके लेते हैं कि हम लैपटॉप से स्क्रीन शॉट ले लिए। स्क्रीन शॉट लेने के बाद उसे हम चाहे जैसे भी प्रिंट कर दिए, फोटोशॉप से हो चाहे जो भी माध्यम से आप प्रिंट करते होंगे, तो वो साफ नहीं आता है। तो इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप बिल्कुल HD आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम बिल्कुल HD में, एकदम HD क्वालिटी में आप आधार कार्ड प्रिंट कर पाएंगे। मैं आपको फोटोशॉप के माध्यम से एक एक चीज, एक एक पार्ट को आपको बताने वाला हूँ कि आप जब अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे फोटोशॉप से प्रिंट करेंगे तो वो एकदम बिल्कुल क्लियर, जैसे ओरिजिनल आधार कार्ड का प्रिंट होता है वैसा आपको प्रिंट मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की मैं जो जानकारी देता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम जोनेक्स टेक्निकल है। उस पर मैं YouTube से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। YouTube पे चैनल कैसे बनाना है, वीडियो अपलोड कैसे करना है, सेटिंग कैसे करनी है और YouTube से अर्निंग कैसे करनी है। दोस्तों मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मैं उस चैनल पे देता हूँ, उस पर वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो आपको अगर YouTube से अर्निंग करना है तो प्लीज़ उस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने एक आधार कार्ड को डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप भी जब डाउनलोड करते होंगे तो इस तरह का आधार कार्ड आपका दिखता होगा, इस तरह का PDF। तो इसे हम ओपन करेंगे, ओपन करके इसमें हम अपना पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड डाल दिया और यहाँ से हम ओके करेंगे। दोस्तों इस तरह से हम जितने भी भियली भाई हैं, चाहे जो भी है, जितने भी जन सेवा संचालक है, इसी तरह से अपना PDF ओपन करते हैं और यहाँ पे देखें हमारा आधार कार्ड है। तो यहाँ से दोस्तों हम प्रिंट अगर करेंगे, अगर यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे तो ये हमारा जो पूरा आधार कार्ड है, ये पूरा आधार कार्ड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही, यही वाला पार्ट केवल प्रिंट करना है, बस इतना ही हमें प्रिंट करना है। तो हम करते क्या है कि यहाँ पे स्क्रीन शॉट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, आप जैसे भी लेते होंगे कीबोर्ड से चाहे कैसे भी, तो यहाँ से स्क्रीन शॉट लेते होंगे। यहाँ से इस तरह से स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे सेव कर लेते होंगे, जैसे मैं यहां से सेव कर रहा हूं यहां पे, इस तरह से आप इसे सेव करते होंगे। सेव करने के बाद यहां से कहीं भी आप रख लेते होंगे, डेस्कटॉप पे चाहे कहीं भी, यहां पे आप ऐसे इसी तरह माने नाम रख के हमने यहां पे सेव कर दिया। अब इसे हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं अभी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने अभी एक आधार कार्ड, ये हमारा हो गया। लेकिन दोस्तों इसका देखिए साइज देखिए बीच में आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह जब जूम करेंगे आप तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रहा है। और इसको हम जब फोटोशॉप में या फिर अगर चाहे जैसे भी है, इसको हम प्रिंट अगर करते हैं तो ये साफ नहीं आता है। ये समस्या मेरे साथ भी पहले हो रही थी, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला है और एकदम जेन्युइन तरीका है। दोस्तों किसी भी वेबसाइट में आपको जाने की जरूरत नहीं है, न किसी भी कटर का आपको यूज करना है। ये एकदम जेन्युइन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका आधार कार्ड बिल्कुल HD में कैसे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड का यहाँ पे जो PDF रखा है, इसी आधार कार्ड को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने PDF ओपन कर रहा है किया हुआ है। यहाँ पे हमारा पासवर्ड नहीं मांगा। मैं एक बार फिर से इसे ओपन करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि ये लाइव मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ फिर से। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला और यहाँ से हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमें करना क्या है दोस्तों, कि यहाँ से हमें इसका जो पासवर्ड मैंने डाला है, इस पासवर्ड को पहले हटाना है, क्योंकि इसको हम जब पासवर्ड सहित अगर अपने फोटोशॉप में हम डाल देंगे तो वो जो है वहाँ पे पासवर्ड ओपन नहीं होता। तो इसका पासवर्ड सबसे अच्छा तरीका दोस्तों यहाँ पे है कि हम यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे आएंगे। दोस्तों वीडियो को एकदम आराम से देखिएगा, अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रिंटर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने जितना भी प्रिंटर लगाया होगा सब यहाँ पे शो हो जाएगा।
तो आपको प्रिंट नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे करना है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, एडवांस एडवांस छोड़ दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से इसे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का जो ऑप्शन दिया है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया, इस पे आप प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंटिंग आधार लिखेगा, लेकिन आपका जो है जो लोकेशन है जहाँ पे आपको ये रखना है सेव करके, वहाँ पे इसका नाम इस तरह से आप करके लिख दीजिए। लिखने के बाद आप यहाँ से इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब आपको एक मैजिक दिखाता हूँ मैं। तो ये पीडीएफ मेरा सेव हो गया, अब इसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने जो अभी सेव करके रखा है, आपने देखा होगा यही नाम होगा। तो यहाँ से इसे हम प्रिंट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगा, बिल्कुल पासवर्ड यहाँ पे मांगा ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं फिर ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारा पासवर्ड हट गया। तो अब इसे हम यहाँ से अब प्रिंट करना आपको बताएंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिंट कैसे करना है। तो इसे हम अपने फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना पीडीएफ जो है आधार कार्ड का, वो फोटोशॉप में डाला है और यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद आप यहाँ पे, मैं कुछ सिक्योरिटी पर्पज की वजह से इसका कुछ जो पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको मैंने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा आधार कार्ड यहाँ पे आ गया है। अब इसको हमें करना क्या है, इसको हम पहले जूम आउट कर देते हैं और यहाँ से हम इसे फाइल वाले ऑप्शन में आएंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से, फाइल वाले ऑप्शन में आएंगे। फाइल वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे न्यू वाले पे क्लिक करना है। न्यू वाले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह का आपका फोल्डर एक ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको कस्टम वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे साइड में, साइड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे A4 का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे विथ और हाइट और रेजोल्यूशन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, देख लीजिए, यही आपका होना चाहिए। और यहाँ पे mm जो लिखा है, सेम टू सेम आपको यही रहने देना है। और यहाँ पे जो RGB कलर लिखा हुआ है, इसको भी आप ऐसे ही रहने देंगे। इस पे अगर आप कर देंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे RGB वाले पे ही आपको रहने देना है और पेज का जो कलर है वो व्हाइट ही रहेगा। तो यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों, ये हमारा एक नया पेज क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में यहाँ पे सिलेक्ट टूल दिया हुआ है सबसे ऊपर, इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं मेरा जो जहाँ कर्सर जा रहा है, मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आपको इस तरह से आपको इतना सिलेक्ट करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे, अब ये आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मूव टूल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ जो जो पार्ट हमारा, जो हमारा सिलेक्ट हुआ है, इस पे हम टैप करेंगे और अपने माउस का जो बटन है, जो लेफ्ट बटन है, इसको हम प्रेस किए रहेंगे और यहाँ से ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे आएंगे इस तरह से, इस तरह से हम इसे छोड़ देंगे। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ इस पेज में आ जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने किया और यहाँ से इसे हमने पकड़ा और यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इस फाइल को हम मिनिमाइज कर देंगे और इसे हम बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ से हम जेड बटन प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे जो जूम टूल का ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस वाले निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि हमें ये साफ दिखे। तो यहाँ पे हमने नीचे कर लिया, यहाँ पे ये वाला हैंड टूल है, इससे हम इसको पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस पे हम जूम टूम वाले पर हमने जूम कर लिया। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ सबसे ऊपर पेज का जो बॉर्डर है, यहाँ सबसे ऊपर है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें मूव टूल पे फिर से आना है। फिर से आने के बाद हमें यहाँ पे बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे देख लीजिए, अब ऊपर मैं थोड़ा सा जगह छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर दिया। अब दोस्तों अब क्या करना है कि ये अभी हमें लग रहा है कि ये हमारा जो आधार कार्ड का साइज है, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है ये बड़ा है। दोस्तों ये बड़ा भी है, इसका साइज बनाने के लिए हमें करना क्या है, इस पे मूव टूल वाले को ऐसे ही सिलेक्ट रहने देना और इस पे एक बार टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें कंट्रोल और टी बटन प्रेस करना है। कंट्रोल दबाए रहेंगे और टी बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सिलेक्शन यहाँ पे बन गया। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे प्लस प्लस का देखिए, यहाँ पे एक सिलेक्शन बन गया। तो हमके इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे जो W लिखा है, जो विथ लिखा है, यहाँ पर हम इसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे
सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे 17 डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे सीएम डाल देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसमें आएंगे और इसमें हम डालेंगे 5.5 cm यहाँ पे हम डाल देंगे। तो ये दोस्तों हमारे आधार कार्ड का जो साइज होता है, जो पूरे का साइज होता है वो यही होता है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरह से हो गया। तो इसको हम थोड़ा सेंटर में लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इस पर हम एक स्ट्रोक लगाएंगे ताकि हमें काटने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रोक पहले से लगा हुआ है ऊपर भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्ट्रोक लगाना चाहते हैं इसमें तो आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे देखें स्ट्रोक का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ब्लैक स्ट्रोक ले लेंगे और यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 कुछ भी डाल सकते हैं जिस हिसाब से आपको स्ट्रोक बनाना है। और यहाँ सेंटर लिखा है रहने देंगे, इसे हम ओके कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा स्ट्रोक बन गया, देखिए यहाँ पे ऊपर नहीं था, ऊपर भी बन गया और साइड में भी ये बन गया। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद जब काटेंगे तो ये हमारा जो बॉर्डर है इसके हिसाब से हम काट लेंगे और उसको मोड़ के प्रिंट कर लेंगे, मोड़ के इसे हम लेमिनेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखिएगा, मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल क्लियर आ रहा है। इस तरह से हमारे यहाँ जो फोटो दिया हुआ है, इस फोटो को पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट वाले में आएंगे और यहाँ पे हम इनवर्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनवर्स वाले पे करेंगे तो ये हमारा फोटो डीसेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ बाकी चारों तरफ ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप अच्छे से देखिएगा, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट टूल लिया और यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन में आए और यहाँ से इनवर्स कर दिए, तो ये हमारा फोटो सेलेक्ट नहीं हुआ, बाकी सब कुछ सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा इसे मैं जूम कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इमेज वाले पे आएंगे, एडजस्टमेंट, और उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट वाले पे आएंगे और यहाँ से हम इसका थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों ऊपर जो कलर और ये बाकी जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो गया, मैं ज़्यादा करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से मैंने ज़्यादा कर दिया तो ये ज़्यादा डार्क हो गया। तो आपको अपने हिसाब से इतना पे कर लेना है कि ताकि इसका लाइट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। इसके बाद हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रिंट वाला जो ऑप्शन दिया है इस पे आके आप प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा और जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।